हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा बेलूर मठ। तो बने रहिए मेरे साथ और बहुत सारा कुछ चीज़ देखने को मिलेगा, तो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं बेलूर मठ पहुंच गया। तो देख सकते हैं इधर से गेट है, तो अभी हम अंदर की ओर जा रहे हैं फाइनली। तो देख लीजिए इधर अंदर का नज़ारा। तो इधर से रास्ता है, यदि आप बस से आएंगे तो 21 मिनट लगता है। और हावड़ा से 56 नंबर बस को पकड़ना पड़ता है, उसके बाद पहुंचा देता है। 21 मिनट लगता है सिर्फ, देख सकते हैं इधर से गेट है। तो फ्रेंड्स, तो इसका गेट है, देख सकते हैं आप लोग। बेलूर मठ के अंदर आप लोग 11 प्लेस घूम सकते हैं। बेलूर मठ के अंदर आप लोग जैसे एंट्री करेंगे, वाई साइट में रामकृष्ण म्यूजियम, ठाकुर रामकृष्ण एवं विवेकानंद जी जो जो चीज़ें यूज़ करते थे वो सब कुछ इसमें रखा हुआ है। और इसके अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल बंद है। तो ये गेट अभी बन रहा है, देख सकते हैं। तो अभी मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ। ये है रामकृष्ण टेम्पल। स्वामी विवेकानंद ने 1938 में ठाकुर रामकृष्ण के नाम पे बनाया था। और ये अभी बन रहा है ये बिल्डिंग, तो देख सकते हैं रामकृष्ण टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है इधर से नज़ारा। और ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं। ग्राउंड में फूल का पौधा भी है। तो आगे की ओर चलते हैं, कौन कौन मंदिर है देखते हैं। तो ये शारदा मंदिर है, देख सकते हैं आप लोग। इसके पीछे ही गंगा है, तो जाएंगे अभी उसके पीछे। ये शारदा टेम्पल है। ये स्वामी विवेकानंद मंदिर है, स्वामी विवेकानंद जी का इसमें। तो इसके अंदर तो कोई फोटोग्राफी नहीं करने दिया जाता है, जो मेरे आगे दिख रहा है राम विश्व महाराज ऑफिस है। और ये स्वामी विवेकानंद टेम्पल है। तो ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है, यदि आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो यहाँ बैठे तो बैठ सकते हैं। बैठने के लिए बहुत जगह है, मतलब चारों तरफ से। तो ये गंगा घाट है शारदा मंदिर के पीछे, शारदा टेंपल के पीछे। तो मैंने अभी हाथ मुँह धो लिया गंगा नदी में। तो अभी देख सकते हैं रामकृष्ण टेंपल बहुत ही खूबसूरत है। और बीच में ग्राउंड है थोड़ा सा, और इसमें बैठ भी सकते हैं, लेकिन धूप बहुत है आज। ये है रामकृष्ण टेम्पल, देख सकते हैं इधर से, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। धूप भी बहुत है आज। तो इसमें भोजन, यदि आप भोजन करेंगे तो इसमें टिकट और या कूपन बोला जाता है, तो ले सकते हैं आप लोग और कुछ दान कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, तो टिकट लेने के समय आप जितना रुपया देंगे भगवान के नाम से, तो मैंने 20 रुपया दिया और प्रसाद भी दिया। और इससे हम जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर भोजन कराया जाता है श्रद्धालुओं को, तो अभी जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लाइन लगना होता है भोजन खाने के लिए, अंदर की ओर जाने के लिए। तो अभी हम लोग इधर से जाएंगे भोजन करने के लिए। तो देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत, और इधर से गंगा नदी है, बहुत ही खूबसूरत है। और इधर से देख सकते हैं।
गंगा नदी में पानी बहुत है अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर, थोड़ा दूर में कराया जाता है भोजन साथ। देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी मंदिर बन रहा है, मंदिर तो नहीं घर है, लेकिन खिलाने के लिए शायद भोजन खिलाने के लिए ये अभी बन रहा है। तो हम लोगों को इस सफ़ेद वाले घर में खिलाया जाएगा खाना, भोजन इसमें हम लोगों को भोजन कराया जाएगा इस। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा है यहाँ पर टेबल लगाया गया है, एक साथ बहुत सारा आदमी एक साथ हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनल में आ गया हूँ रूम, लेकिन खिचड़ी बहुत ही मस्त था। खिचड़ी के साथ दिया जाता है सब्जी, फिर उसके बाद चटनी, चटनी के बाद फिर खीर। तो खिचड़ी तो बहुत मस्त था। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका ओपनिंग टाइमिंग है 6:30 AM से 11:30 AM तक, और शाम को 4 PM से 9 PM तक खुला रहता है। तो अगर आप लोग आना चाहते हो आ सकते हैं। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा।